देखो क्वेश्चन नंबर 12 ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 12, अब मेरे को पता नहीं कि आपके क्वेश्चन नंबर 12 में क्या नाम है। गणपति लिमिटेड करके देखो क्वेश्चन है, गणपति एलएलसी करके क्वेश्चन रहेगा, है ना? यस, तो अपने को अभी वो ओपन करने का है। तो सिर्फ ध्यान दो कि टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी हम लोग ने सम्स किया हुआ है, तो अभी अपना 12th वाला सम्स है, राइट है? ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th वाला सम। अभी से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड वाला सम्स करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड वाला सम्स हम लोग करने वाले। चलो ध्यान दो। गणपति एलएलसी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर यूजिंग द डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कैश, टू फाइंड द एंडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन एंड ओपनिंग बैलेंस। मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 1.55 मिलियन। ठीक है, तो उसने क्या क्या डेटा दिया। अभी हम लोग ये कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड। और आपको याद है जब इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं तो अपने पास नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये हम लोग इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व कर सकते, तो अपने पास अभी नेट प्रॉफिट का डेटा होना चाहिए। तो देखो एडिशनल शेयर्स इश्यूड, आपने एडिशनल शेयर्स इश्यू किया, इश्यू करने से आपके पास पैसा आता है। तो फाइनेंसिंग प्लस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टिंग माइनस, प्रोसीड्स फ्रॉम असेट सोल्ड, मतलब पैसा आया असेट बेच के, तो इन्वेस्टिंग प्लस डिविडेंड डिक्लेयर। देखो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, पेड नहीं किया है, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर करते तो पीएनएल का डेबिट में रिकॉर्ड करते थे, बराबर ना? तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से आपके प्रॉफिट में ऐड होगा। गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ असेट्स, जब बोलते हैं हम लोग गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ असेट और अमाउंट है ना माइनस में दिया, मतलब वो लॉस है, तो लॉस ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट में एड होना चाहिए। उसके बाद है नेट इनकम। उसके बाद है नेट इनकम। नेट इनकम ही वो प्रॉफिट है, समझा? तो उसको प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट। ठीक है, फिर इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर, डेटर बढ़ गया। तो डेटर 40,000 था फॉर एग्जाम्पल, और वह 40,000 था 50,000 हो गया, तो डेटर 10,000 से बढ़ गया। डेटर 10,000 से बढ़ गया मतलब डेटर से आने वाला पैसा नहीं आया, मतलब एक तरह का अपना आउटफ्लो के बराबर है। फिर रिडम्शन ऑफ 4.5% डिबेंचर, आपने 4.5% डिबेंचर को रिडीम किया। रिडीम करना इज अ आउटफ्लो ऑफ कैश, रिडीम करना इज अ आउटफ्लो ऑफ कैश, बराबर? तो आपने रिडीम किया तो आपका कैश गया, तो क्या आएगा? फाइनेंसिंग माइनस। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, बराबर है? बस इतना सा ही डेटा है। ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के लिए तभी पूछा हुआ था। हम लोग सबसे पहला करेंगे इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम लोग, वो एडिंग लिख देना। अच्छा ठीक है बाबा, सब मैं ही लिख देता बस। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपको कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद रखना, दोनों में सेम है,
दोनों सेम है, दोनों मेथड में सेम है, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंट है. बाकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों के दोनों सेम है, सिर्फ चेंज क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. वहां का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट स्टार्ट होता है, बल्कि यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट. बराबर है, हमको यहाँ पे क्या लगेगा, नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट कितना है, 3.3. अब पहले इस नेट प्रॉफिट को मैं कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा, तो उसके लिए ऐड करूंगा पहला डेप्रिसिएशन. फिर उसके बाद जो लॉस है ना, लॉस वो लॉस है, तो लॉस ऐड होना चाहिए, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट जो 1.20 है. माइनस लिखना था, फिर माइनस करना पड़ेगा और कुछ नहीं. फिर डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर थोड़ी ना होगा, डिविडेंड डिक्लेयर तो अलग होगा ना. समझा, अब यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि डिविडेंड डिक्लेयर इज डिविडेंड पेड, तो आप ना इसको फाइनेंसिंग में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे लिख के करो तो भी चलेगा, या यहाँ पे लिख के वहां पे करो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो डिविडेंड डिक्लेयर कितना है, 0.5. या तो हम लोग एज्यूम करके कर सकते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो भी चलेगा, बट हमको एजम्पशन लिखना पड़ेगा. ठीक है ना, तो डिविडेंड डिक्लेयर आ रहा है, इसके बाद जो आंसर आएगा पहले वो लिखो तो सही, कितना आ रहा है, 3.3 प्लस 0.75 प्लस 1.2, तो आएगा 5.25. अब इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल लेस इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, तो ये आएगा 1.50, आई थिंक सो. और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग बाहर लेंगे, माइनस 1.5, तो दिस विल बी 3.75. ठीक है, आगे का चलो, आगे का सॉल्व करने के लिए रेडी रह जाओ, चलो फटाफट. ठीक है, ये उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें नंबर वन कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोसीड्स फ्रॉम असेट सोल्ड, 2 ही तो है, माइनस 9.90 प्लस 1.6, तो ये आएगा माइनस 8.3. नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर इश्यू 6.5 पैसा आ रहा है इसके लिए, फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 4.5 डिबेंचर 2.5, फिर डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड 0.75, ठीक है। तो 6.5 माइनस 2.5 प्लस जीरो, नहीं फिर माइन 6.5 माइनस 2.5 माइनस 0.75 3.25। कितना डिविडेंड डिक्लेयर है? ओके 0.5 सॉरी, माइनस 2.5 माइनस 3.5, ठीक है। फिर उसके बाद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, यस ये आना। देखो अभी इसको सॉल्व करो तो कितना आता है बताओ मेरे को, और क्या 3.75 माइनस 8.3 प्लस 3.5 ये आएगा 0.50, ठीक है। चलो कर लो फटाफट, ये इनडायरेक्ट मेथड का एक पप्लू सम्स है। ठीक है एक सेकेंड, अब उसके बाद छोटा छोटा नोट लिखो, नोट वन, इट इज अज्यूम्ड दैट डिविडेंड is declared and paid. Note number two, जो डिबेंचर जो रिडीम हुआ ना, देखो डिबेंचर जो रिडीम हुआ है वो 4.5 वाला है, तो उसका इंटरेस्ट भी तो हम लोग अकाउंट कर सकते थे, तो क्यों नहीं अकाउंट किया हम लोग ने? तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, इट इज अज्यूम्ड दैट 4.5% debenture is redeemed at the beginning of the year. देखो क्या हुआ है ना, यहां पे debenture दिख रहा है आपको, देखो तो debenture जो redeem हुआ 4.5% debenture redeem हुआ, तो उसका interest भी तो expense होना चाहिए, तो यहां पे आना चाहिए ना interest expense paid, पर वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने एज्यूम किया कि फर्स्ट डे को रिडीम हुआ, फर्स्ट डे को बोला, इसीलिए नहीं लिया। अगर 31 मार्च को हम लोग रिडीम करने जाते ना तो उसका इंटरेस्ट भी ड्यू होता। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 12 था ना, अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब ये क्वेश्चन गणनायक फर्निशिंग है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मई 15 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें बहुत सिंपल है, तुमको सिर्फ इतना बताने का है, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब सिर्फ तुमको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाना है, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज, बस इतना ही तुमको दिखाना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही आपको बताना है। अब देखो, प्लांट अक्वायर्ड बाय द इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर, अब उसका मतलब क्या ना पहले जानना पड़ेगा। कैश फ्लो में आने के लिए पहली बात उसमें कैश एलिमेंट होना चाहिए, या तो रेलेवेंट एजम्पशन होना चाहिए। उसने क्या बोला, प्लांट अक्वायर्ड बाय द इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर, उसका मतलब क्या मालूम है, प्लांट लिया बट सामने डिबेंचर दिया, तो यहाँ पे कहीं पे भी कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो है क्या? नहीं है, यहाँ पे कोई भी कैश फ्लो नहीं है, तो ये कैंसिल कर दो। अपने को सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा, क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, अब देखना क्लेम मिला, क्यों क्लेम मिला, क्योंकि जो मेरा प्लांट है ना वो आग लग के बर्बाद हो गया, तो प्लांट यानी इन्वेस्टिंग, उससे मिलने वाला क्लेम यानी कैश, तो कैश फ्लो हुआ। अभी इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो हुआ है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर 49,600। सेकेंड वन, अनसेक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी, सब्सिडरी को हमने अनसेक्योर्ड लोन दिया, तो ये एक तरह का अपने लिए इन्वेस्टमेंट ही हो गया, एक तरह का हमने इन्वेस्टमेंट किया उसकी कंपनी में, तो अनसेक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी, मतलब मेरा सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए तो मैं उसको अनसेक्योर्ड लोन दिया, क्योंकि मेरा आउटफ्लो गया है, तो 4,85,000 इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, और उस इन्वेस्टमेंट पे मेरे को कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है, तो मेरे लिए इनफ्लो है। $82,500 का इंटरेस्ट दिया है। नेक्स्ट वन, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट में, मैंने ना कुछ कंपनी का इन्वेस्टमेंट खरीद के रखा और उसपे मेरे को एक एक्विजिशन डिविडेंड मिला, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो ये भी मेरे लिए इनफ्लो होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड मतलब क्या होता है, डिबेंचर यानी फाइनेंसिंग, उसका इंटरेस्ट यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, बट कि हम लोग तो सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हैं। टर्म लोन रिपेड, टर्म लोन यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उससे रिलेटेड अगर रिपेमेंट किया तो भी फाइनेंसिंग में आना चाहिए, बट हम लोग तो इन्वेस्टिंग बना रहे तो ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट टीडीएस 8,200 वर डिडक्टेड फ्रॉम द अबव इंटरेस्ट, अब मेरे को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कितना मिला 70, ग्रॉस कितना मिला 76,200, बट उसमें से 8,200 है ना वो टीडीएस है, तो उसमें मेरा कोई कैश फ्लो नहीं गया है। सुनो, मेरे को जो इंटरेस्ट मिला है ना, मेरे को जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना, वो 68,000 का ही है, वो तो काट दिया आने से पहले, उसने पहले काट दिया, तो ना ही मेरे को कैश इनफ्लो ना ही मेरे को कैश आउटफ्लो हुआ है, तो मेरे को सिर्फ 68,000 का ही अकाउंट करना चाहिए। बोले समझ में आ रहा है क्या ये? नेक्स्ट वाला, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, 84,000 में प्लांट बेचा है बट लॉस हुआ 9,600 का, तो बोलो प्लांट कितने में बिका? बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड 84,000 है, बट प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट कितना है? ये बराबर है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, जो बुक वैल्यू जो बेचा है ना वो एक्चुअली 84,000 का प्लांट है, बट जब मैंने बेचा तो मेरे को 9,600 का लॉस हुआ, तो टोटल मैंने कितने में बेचा? 74,400। देखो अभी आ गया 49,600 माइनस 4,85,000, 82,500, 62,400, 68,000, तो यार है 148,100 हो गया।
समझ में आया क्या? अरे समझा, बस इतना सही बताने का, बाकी कुछ नहीं बताने का। चलो कॉपी कर लो। एकदम सिंपल सम्स मैंने अभी कर दिया, ठीक है ना, ताकि आपको इजी लगे। चलो हो गया बेटा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। अब नेक्स्ट वाले पे ध्यान दो। ये कितवा था बेटा? ये 13 था, अभी 14। तो सर अभी ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड। यस, अभी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड की तरफ ही जाने वाले। सम्स का नाम है मिस्टर जेन। अब देखते हैं मिस्टर जेन का बैलेंस शीट। ऑफ मिस्टर जेन दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2010 एंड 1 अप्रैल 2011। तो 1 अप्रैल 2010 ये ओपनिंग हो जाता है एंड 1 अप्रैल 2011 ये क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, जेन कैपिटल 10 लाख से 12 लाख 24 हजार हो गया। जेन कैपिटल 10 लाख से 12 लाख 24 हजार हो गया। पहले 10 लाख था, ये 12 लाख 24 हजार हो गया। तो क्या लगता है आपको? तो इसके ऊपर अपने को देखना पड़ेगा। अभी जेन कैपिटल, अभी कैपिटल बोला तो उसमें ड्राइंग वगैरह का भी मिक्सचर आ सकता है। अगर कुछ नहीं बोला इसके ऊपर एडजस्टमेंट, या अपने को देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पूरे साल भर में कितना ड्रॉइंग हुआ, क्या हुआ। आपको समझ में आ रहा है? तो तब तक तो हम लोग हेल्पलेस है। मतलब अपने को ऐसा बोल सकते कि हम लोग को कैपिटल अकाउंट भी शायद बनाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? तो नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसके बाद वो एडजस्ट होके आएगा। तो कुछ नहीं बोला है ना, तो सिंपल में जेन कैपिटल तो फिलहाल ऐसे लगता है 10 लाख से 12 लाख 24 हजार हुआ, मतलब 2 लाख 24 हजार का कैपिटल लेके आया, ऐसा लगता है। बट बेटा अपने को थोड़ा वेट करे तो अच्छा है। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग मिसेस जेन लोन 2 लाख से 0 हो गया, मतलब रीपेमेंट ऑफ मिसेस जेन लोन, बराबर। फिर लोन फ्रॉम बैंक तो 3 लाख 20 से 4 लाख हो गया, मतलब 80 हजार का आपने जेन लोन का रीपेमेंट, जेन लोन जो आपने लिया था वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस, फिर लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस। ठीक है, अब लैंड, लैंड 6 लाख था वो 8 लाख 80 हजार हो गया। मुझे तो 2 लाख 20 हजार का डिफरेंस दिख रहा है, बट अगर उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह दिया है तो फिर अपने को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और कुछ नहीं बोला तो मैं तो ऐसे बोलूंगा परचेज किया, मैं तो ऐसे बोलूंगा परचेज किया। तो परचेज किया तो 6 लाख से 8 लाख 80 हो गया, मतलब परचेज किया। तो इन्वेस्टिंग माइनस, तो ये ऐसे एडजस्टमेंट है। देखो एडजस्टमेंट पढ़ लो, अब है ना एडजस्टमेंट पढ़ लो तो कुछ अपने को आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली अपने को करना क्या है। देखो मशीन कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 24,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखा ये ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेथड भीतर तो बाद में देखेंगे, पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तो बना लू। अब मेरे को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में क्या होता है, प्लांट हमेशा कॉस्ट पे दिखेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट से बढ़ते जाएगा। एंड 31 मार्च 2011, अच्छा वो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 1 अप्रैल 2010 2 लाख से एंड 31 मार्च 2011 को 3 लाख 20 हजार है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2011 वॉज 3 लाख 60 हजार। देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब मुझे बताओ ये तो मिस्टर जेन का है, तो मिस्टर जेन जब कैश फ्लो बनाएगा तो अपने प्रॉफिट को कहाँ पे लिखेगा?
ऑफ कोर्स, वेरी गुड। कहां पे लिखेगा? कैपिटल अकाउंट। समझा कि नहीं? कहां पे लिखेगा? कैपिटल अकाउंट। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते। ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी कितना है? ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी 6,40,000 है बेटा, बाय क्लोजिंग, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,40,000। फिर इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,00,000 और इसका टू बैलेंस कैरीड डाउन 3,20,000। अब इसका भी बैलेंस लिख लेता हूं, दस लाख उसका कैपिटल दिख रहा है। यस, यस। अब अपने को ना इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। एज्यूम करो कि हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब इनडायरेक्ट मेथड सीखते ना, डायरेक्ट मेथड तो आराम से आ जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड सीखते। चलो अभी एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। मशीन कॉस्टिंग 80,000 वॉज सोल्ड, आपने मशीन को है ना बेचा है, आपने मशीन को बेचा है, समझ में आया? आपने मशीन को बेचा है, कितने में बेचा है? देखो यहाँ पे उसने ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड ऐसा कुछ बोला नहीं है, समझे ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? बोलो, उसने मशीन को बेचा है, कितने में बेचा? उसने 80,000 के मशीन को निकाला, बराबर, जिसका डेप्रिसिएशन सामने, जिसका सामने सामने डेप्रिसिएशन 24,000 कैंसिल होता है। बोलो ये समझा? और उसको आपने कितने में बेचा? 40,000 में बेचा, तो आपको लॉस कितने का हुआ? बोलो आपको लॉस कितने का हुआ? ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहला होता है कॉस्ट, कॉस्ट कितना? 80,000। उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन, कितना? 24,000। तो 80,000 में से 24,000 गया। कभी भी याद रखना, सेल करते समय सबसे पहले डेप्रिसिएशन 56,000, उसको आपने बेचा 40,000 में, तो लॉस कितने का आया? 16,000 का लॉस आया ना। अरे समझा क्या आपको? लॉस कितने का आया? 16,000 का लॉस आया। तो 16,000 का लॉस आप इधर लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना? 16,000 का। बोले समझा क्या? समझा लॉस कैसे आया? पक्का समझा? कोई कंफ्यूजन इसको लेके? अब ये होगा क्या, 6,40,000 माइनस 80,000 माइनस 16,000 माइनस 4,40,000, यहाँ पे देखो छोटा सा मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन का मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया था। अब यहाँ पे देखो, वो जो देखो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया क्या? नहीं, मतलब वो जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है 6,40,000 ओपनिंग बैलेंस, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, बराबर। तो इसमें डेप्रिसिएशन एड करो तो आपको ग्रॉस अमाउंट मिलेगा,
सर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये डेबिट में है, ये डेबिट में प्लांट एंड मशीनरी है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब प्लांट का कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा, तो अब ये लेवल पे आएगा 8,40,000। तो देखो अब ये बराबर 6,40,000 आपको दिखेगा, समझ में आया? सेम इसमें भी कितना है वो 4,40,000 प्लस उसका क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है 3,20,000, तो ये आएगा 7,60,000 बराबर। अब आप बेच रहे हो बाय कैश बैंक, कितने में बेचा आपने? 40 में। उसका आपने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यही से निकाल दिया, 24,000 बराबर है। फिर आपको लॉस हुआ 16,000 का। अभी आप इन सबको करो तो देखो 80,000 का ही आपको मशीन आएगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां पे लिखा हमने बराबर। अब मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, और मैं रेड इंक से कर रहा हूं, ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, समझ में आ रहा है? इसका तो कुछ सोचो ही मत, ये प्रॉफिट में ऐड होगा क्योंकि लॉस हुआ है ना, तो लॉस प्रॉफिट में ऐड होगा। उसके बाद अब इसको क्लोज करते चलो, इतना डेप्रिसिएशन आपने साल में चार्ज किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपने इतना डेप्रिसिएशन साल में चार्ज किया, और ये डेप्रिसिएशन क्या करो प्रॉफिट में क्या होना चाहिए? ऐड, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है? नॉन कैश बराबर। अब कैपिटल के बारे में देखते हैं, क्या आपको प्रॉफिट दिया है? यस सर हमको प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल के क्रेडिट में होगा टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट होने से आपका कैपिटल बढ़ता है। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 3,60,000 का। आप इसको चेक करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कहां पे कितना आएगा। ये आ रहा है 13,60,000, तो माइनस 12,24,000, तो ये आएगा 1,36,000, क्योंकि कैपिटल के डेबिट में आ रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस माइनस, समझ में आया? और ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश सब दिया है। अब देखते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट में तकलीफ हुआ था वो यहां पे ही था। अब स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें सबसे पहला नेट प्रॉफिट एज गिवन, कितना नेट प्रॉफिट उसने दिया है? 3,60,000, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। अब जो नॉन कैश है वो सब ऐड करते, ऐड डेप्रिसिएशन 1,44,000, ऐड लॉस हुआ था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 16,000 का लॉस हुआ था, प्रॉफिट में ऐड किया ना 16,000 का। फिर उसके बाद तीन लाख साठ हजार प्लस 1,44,000 प्लस 16,000,
तो ये आएगा 5,20,000। अब इसमें चेंज इन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, अब देखो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी में देखो, सबसे पहले ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल बढ़ रहा है, ट्रेड पेबल बढ़ गया मतलब क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया, हमने पैसा नहीं दिया मतलब अपने लिए एक तरह का इनफ्लो ही हुआ। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, समझा क्या? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 32,000। उसके बाद दूसरा और देखो इन्वेंटरी है, देखो इन्वेंटरी 2,80,000 से 2,00,000 हो गया, मतलब स्टॉक को आपने बेचा तो कम होता है और बेचने से पैसा आता है। एड डिक्रीज इन इन्वेंटरीज 80,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, देखो ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000 से 4,00,000 हो गया, ओपनिंग में 2,40,000 था अभी 4,00,000 हो गया, मतलब डेटर बढ़ गया। डेटर बढ़ गया मतलब आने वाला पैसा नहीं आया, तो एक तरह का आउटफ्लो हो गया। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना? 1,60,000 से बढ़ गया। करंट असेट बढ़ गया, अच्छी बात है, बट कैश के हिसाब से सोचो ये खराब बात है। अपना कैश नहीं आया ना उतना यार, ये तो उतना कैश आता था अपने को, तो ये आएगा 4,72,000। ठीक है, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्या है? लैंड है। अब देखो लैंड का क्या बोला है, लैंड ओपनिंग में 6,00,000 था, क्लोजिंग में 8,80,000 हो गया, मतलब आपने परचेज किया। दो लाख बीस से बढ़ गया आपका लैंड, क्या 2,80,000 से 2,80,000 लैंड बढ़ गया, मतलब आपने परचेज किया, परचेज करने से कैश का आउटफ्लो हुआ। फिर उसके बाद सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, ये आप देखो ये आपका टैली हो गया रहेगा, अभी ऑटोमेटिकली टैली होता है, अगर डिफरेंस आता ना तो डेबिट में आता था, एक सेल है तो एक परचेज होगा ना अगर आया तो। तो ये कैश सेल किया आपने 40,000 में, तो 40,000 रुपये आपके लिए आया। और कोई है? नहीं है, इतना ही था। तो मैं बोलू ये 2,40,000 रुपया माइनस में है। नंबर थ्री, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्या है आपका? तो सबसे पहला ड्रॉइंग्स है, वर्किंग नोट 3 याद आ रहा है, ये देखो 1,36,000 का आपने पैसा विड्रॉ किया, तो बिजनेस का आउटफ्लो हुआ। फिर मिसेस जेन लोन है, दो लाख बीस हजार मतलब आपने पैसा दे दिया, आपको सिर्फ कैश फ्लो के बारे में सोचना है। फिर आपने लोन फ्रॉम बैंक लिया, अस्सी हजार क्योंकि ओपनिंग में लोन 3,20,000 था, अब क्लोजिंग में 4,00,000 हो गया, मतलब 80,000 से लोन आपने ज्यादा लिया, मतलब आपको कैश इनफ्लो हुआ। अब सॉल्व करो इसको, माइनस 1,36,000 माइनस 2,00,000 प्लस 80,000, तो मैं बोलूँ 2,56,000 का माइनस में आएगा। फोर्थ वन, ओपनिंग कैश बैलेंस 80,000, ना प्रे द अलमाइटी की वो बराबर आ जाए।
4,72,000 माइनस 2,40,000 माइनस 2,56,000 प्लस 80, देखो आया 56। देखा, अगर अपना वो मेरा प्लांट एंड मशीनरी का ऊपर मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास जो शीट अवेलेबल है ना उसमें अमाउंट, एक तो जूना बुक है मेरा, इतने बार मैं यूज कर चुका हूँ उसके बैचेस में, इतने बैचेस में, तो उसका अमाउंट डल वगैरह सब हो गया है, तो आई नीड टू सी प्रॉपरली, तो उसमें टाइम चला जाता है। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो अभी। ये 14 था बराबर, अब 15 वाला करते हैं। देखो अभी अभी तो सिंपल होना चाहिए 15 वाला। फिफ्टीन वाला देखो, प्रमोदा लिमिटेड करके नाम है, प्रमोदा, लिख लो। ये क्वेश्चन में 11 में आया था। अब देखो, अब मैं बोलू आपको एक ट्राई करते हैं, ऐसा एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेते हैं और एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो वर्किंग नोट है ना वो पहले बना लेते हैं, ठीक है ना? एक बार देख लेते ऊपर, बस बाकी कुछ खास नहीं मिलेगा तुमको। असेट्स में ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया, लैंड एंड बिल्डिंग 4 से 3,80,000 हो गया, फिर मशीनरी, फिर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, कैपिटल रिजर्व दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक दिया, संडे क्रेडिटर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ₹20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है वो 20,000 है, ठीक है, बराबर ना? तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। तो डू यू थिंक वी नीड टू प्रिपेयर अरे दिस वन? बनाने तो बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, तो एक बार लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो अपने को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो प्रॉफिट आपने कहां पे क्रेडिट कर दिया? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, आपको कैपिटल रिजर्व का बनाना है तो कैपिटल रिजर्व का भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं है। जो कैपिटल रिजर्व ऊपर दिख रहा है ना वो आपका समझ में आएगा कौन सा है वो? कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा उस पे आपको प्रॉफिट हुआ और वो अमाउंट आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में पड़ा है वो अमाउंट।
तो इससे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है, ठीक है। आपको कैपिटल रिजर्व बनाना तो आप कैपिटल रिजर्व भी बना सकते हो। उसके बाद इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 55,000, ऊपर देखो प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो सिंपल में ना उतना मगजमारी करने का ही नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना ही देने का। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 2,25,000, दे पेड 1,25,000 इन कैश एंड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर। ओके, तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, उतना सब झंझट करने से अच्छा है मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। और एक उससे इफेक्ट किसको गिरने वाला, इक्विटी शेयर का, तो एक इक्विटी शेयर अकाउंट भी बनाते हैं। क्यों, इक्विटी शेयर में फर्क गिरेगा ना, हम लोग तो डिफरेंस कुछ और ही लेके बैठे थे। चलो पहले इसको फिलअप करते हैं। ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,00,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,80,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन्वेस्टमेंट में 1,00,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, हो गया। मशीनरी का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी का 7,50,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीनरी का 9,20,000। अभी तो हम लोग देखेंगे ना, इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल का 10,00,000, बारह लाख पचास, बस हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एक-एक। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, हमने डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया लैंड एंड बिल्डिंग पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से राइट ऑफ किया 20,000 पे। अब इधर ही सोच लो ये डेप्रिसिएशन कहां पे जाएगा, डेप्रिसिएशन है मतलब नेट प्रॉफिट में क्या होगा एड, उधर ही सोच लेने का, ठीक है ना। ये हो गया, मेरे को लगता है ये क्लोज भी हो गया, 4,00,000, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद अब इन्वेस्टमेंट का देख लो, कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट 10,000 प्रॉफिट पे बेचा, समझा क्या, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचा 10,000 प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, मतलब वो कैपिटल रिजर्व यहां पे आएगा।
मतलब ये है कैपिटल रिजर्व, ये इधर आया क्रेडिट डेबिट में, तो कैपिटल रिजर्व के क्रेडिट में, तो देखो लायबिलिटी में कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट था कितने का जो तुमने बेचा, आर यू गेटिंग? तो अपने को देखना पड़ेगा अभी, 1,10,000, 1,10,000। अच्छा तो इन्वेस्टमेंट 60,000 का था, बाय मतलब कितने में बेचा आपने, 60,000 में बेचा। और जब 60,000 में बेचा तो इसका अभी सोच लो, इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टिंग, बेचने से पैसा आता है। सर ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट अगर सिर्फ ये प्रॉफिट होता ना यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली लिखता माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ से माइनस होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होना चाहिए। बट उसने बोला कि नहीं, हम लोग ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में पैसा तो पड़ा ही है, तो लोग ने उसमें ट्रांसफर कर दिया उसको। समझ में आया? नेक्स्ट वाला, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ये साल में इनकम टैक्स प्रोविजन क्या, तो उसके लिए एंट्री क्या पास करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब यहाँ पे आना चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 55,000। अब इसको आप क्लोज करो, आपको मालूम पड़ेगा आपने कितना पे किया है, 1,05,000 है ये, 1,05,000 माइनस 60,000, तो 45,000 आपने ये साल पे किया है, तो कैश बैंक अकाउंट मतलब इतना आपने पे किया है। मैं रेड पेन लेता हूं, चलो बोलो कैश बैंक पे किया मतलब लास्ट में मालूम है ना, ऑपरेटिंग माइनस, और इसका बोलो किधर जाएगा, ये इतना आपने प्रोविजन किया है ना, तो नेट प्रॉफिट में ऐड, नेट प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, ऐड। क्यों ऐड होना चाहिए, क्योंकि आपने इतना प्रोविजन किया है, और जो चीज प्रोवाइड किया है वो कैश में तो होता नहीं है, तो उतने से अपना नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ में आया? अब मशीनरी की बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2,25,000, 2,25,000 का मशीनरी खरीदा, तो टू कैश बैंक अकाउंट, मशीनरी टू कैश बैंक 2,25,000। दे पेड 1,25,000 इन कैश, 2,25,000 का मशीनरी खरीदने के लिए आपने 1,25,000 कैश में भरा। बोलो समझा क्या, 1,25,000 अपने कैश में भरा, और एंड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर्स। आपने तो पहले मशीनरी परचेज किया, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपने मशीनरी परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी आपने परचेज किया 2,25,000 में। अब 2,25,000 में मशीनरी परचेज करने के लिए आपने 1,25,000 कैश में भरा, तो कैश में सच में कितना गया, 1,25,000 ही गया, और बचा जो गया वो इक्विटी शेयर्स में गया है। तो 2,25,000 में से 1,25,000 माइनस किया, तो 1,00,000 रुपए आपने इक्विटी शेयर्स में दिया। अब वो इक्विटी शेयर आपने इशू किया, मतलब यहां पे आना चाहिए बाय मशीनरी 1,00,000, हो गया। समझा क्या? ये कितना आएगा, 9,75,000। अब ये भी कितना आएगा, 9,75,000, उसमें से 9,20,000 माइनस करो, तो डिफरेंस आ रहा है 55,000। अब 55,000 का अपने पास दो ऑप्शन है, या तो तुम सेल में लो, क्योंकि इनको डिटेल बोला नहीं है, तो
तो मैं इसको क्या लेता हूँ, डेप्रिसिएशन में लेता हूं। अब रेड इंक में मुझे बताओ, ये कैश बैंक आपने जो पे किया, कैश गया है आपका क्योंकि परचेस करने से, तो क्या होगा, इन्वेस्टिंग माइनस, और ये डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट में एड। इसका कुछ नहीं करना है क्योंकि कैश में कुछ कैश दिया और कुछ इक्विटी शेयर दिया, तो इक्विटी शेयर देने से कोई कैश का आउटफ्लो तो नहीं होता ना, या इनफ्लो तो नहीं होता। अब आप इसको क्लोज करो, गॉड नोस 12,50,000 माइनस 10,00,000 माइनस 1,00,000, तो ये 1.5 लाख आ रहे हैं। क्योंकि 1.5 लाख इधर आया, इसको हम लोग बोलते हैं बाय इश्यू या कैश बैंक। अरे याद करो भैया, फाइनेंसिंग प्लस, बोलो भले इतना समझा, पहले इतना समझ लो, अब कुछ तकलीफ नहीं आएगा। मैंने क्या किया, पहले एडजस्टमेंट ही सॉल्व कर दिया क्योंकि करंट एसेट सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोलो सबसे पहला क्या आना चाहिए, नेट प्रॉफिट। सर पर नेट प्रॉफिट है किधर, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में, ओपनिंग में 4 लाख था और क्लोजिंग में 4,80,000 हुआ, मतलब इस साल 80,000 का प्रॉफिट कमाया, नहीं बराबर। अब उसमें एड, मैं पहले इसको कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा, एड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, एड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 55,000, और होगा प्रॉफिट से रिलेटेड और होगा ना, प्रोविजन फॉर टैक्स 55,000, क्योंकि कोई भी आइटम कैश में नहीं होता ना, ना, ना। ओके, दोनों सेम है। ओके, तो हमको कैश प्रॉफिट चाहिए क्योंकि हम लोग कैश फ्लो पर है, तो अपने पास कैश प्रॉफिट ही होना चाहिए। हो गया, तो मेरे को कैश प्रॉफिट आ गया 80,000 प्लस 20,000 प्लस 55,000 प्लस 55,000, तो 2,10,000 का कैश प्रॉफिट आ गया। अब उसमें चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी नंबर वन, चेंज इन इन्वेंटरी नंबर वन देखो, अभी करंट असेट मतलब चेंज इन करंट असेट्स एंड लाइबिलिटी, चेंज इन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। अब एक एक करके देखना, स्टॉक, अब मुझे बताओ स्टॉक 3,00,000 से 2,80,000 हो गया, मतलब गिर गया, मतलब अपने को पैसा आया, डिक्रीज इन स्टॉक 20,000 आया, समझा कि नहीं। उसके बाद डेटर देखो, 4,00,000 से 4,20,000 हो गया, मतलब डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ गया मतलब पैसा नहीं आया, पैसा नहीं है मतलब अपने लिए एक तरह का आउटफ्लो ही है ना, 20,000 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का कुछ नहीं कर सकते, वो अपने लिए ओपनिंग हो जाएगा। अब लायबिलिटी साइड में हो, क्रेडिटर का देखो, क्रेडिटर का, क्रेडिटर 5,00,000 से 4,00,000 हो गया, मतलब मैंने क्रेडिटर को पैसा दिया, ऐसा सोचो क्रेडिटर को मैंने पैसा दिया 1,00,000,
दूसरा क्रेडिटर का हो गया, बस एक ही था। अब बोलो, 2,10,000 +20 -20 -1,00,000, तो ये आएगा 1,10,000। उसमें से कितना टैक्स पेड है? देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में भूल गए क्या? देखो 45,000 तो मैं बोलूँ ये 65,000 कैश में आएगा, मतलब 65,000 कैश ऑपरेटिंग से हुआ। अब नंबर टू, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब अपने को देखना पड़ेगा, अभी पहले इधर कुछ है क्या, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ ये दिख रहा है, देखो ये सेल है बराबर ना, इन्वेस्टमेंट है मतलब सेल है ना, प्लस में मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना रे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? 60,000। वो वर्किंग नोट नंबर लिख देना ठीक है ना, मैं उसमें सब इन्वॉल्व नहीं होता, मेरे को कंसेप्ट में रहने दो, वर्किंग नोट लिख देना। ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद ये देखो परचेज ऑफ मशीनरी, एक लाख 25। मेरे ख्याल से दो ही है ठीक है ना, तो इधर है क्या, इधर मशीनरी का तो हो गया ना, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का तो कुछ है ही नहीं, और कुछ भी नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो 60,000 -1,25,000, तो दिस विल बी -65। पॉइंट नंबर थ्री, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यस, अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब वो बोलना क्या चाहता है। तो ऊपर एक बार देख लेते, कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई है क्या? है ना, एक इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, मेरे ख्याल से एक ही है, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना था इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल? 1,50,000 था। हाँ अब इधर देखते हैं, फाइनेंसिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, कैपिटल उसे का कुछ नहीं करने का, प्रॉफिट एंड लॉस को तो खत्म किया। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक मतलब 5 लाख से लोन अभी 4 लाख हो गया, मतलब आपने रीपे किया, आपने रीपे किया लोन को, आपने वापस किया, तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। एक लाख रुपया रिपे किया, मतलब आपका पैसा गया, और कुछ है फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वन लाख 50 -1,50,000 आ जाएगा। फोर्थ वन, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 2 लाख प्लस 3 लाख, तो ये आएंगे 5 लाख। अब टेंशन क्या है, लास्ट में ये मैच होना चाहिए ऑटोमेटिकली।
1,40,000 प्लस 4,10,000 50। अभी वो देखना पड़ेगा ऊपर मैच करते और क्या। -65 -65 +50 +5 लाख हो गया 5,50,000। थैंक गॉड बच गए हम लोग। देख लो है अभी इतना बड़ा सम्स है अभी है तो अभी है अभी करेंगे क्या करना तो पड़ेगा। ठीक है हो गया ओके। कितना नंबर था रे 15 था। सिक्सटीन में देवा देवा लिमिटेड और ये क्वेश्चन मई 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो एक बार बैलेंस शीट पढ़ लो। असेट ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आइटम दिया है। स्टॉक इन ट्रेड है फिर बुक डेट है फिर कैश इन हैंड कैश एट बैंक फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है सब दिया तो है। शेयर कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस फिर डिबेंचर दिया है फिर क्रेडिटर फॉर गुड्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिया है। पहले का बैलेंस 40,000 भी किया और 65,000 कैसे आया तो ये साल का प्रॉफिट 1,35,000 है और फिर उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व किया 30,000 तो जनरल रिजर्व का बढ़ गया रहेगा। देखो ना रिजर्व जो दिख रहा है ना 1,50,000 से 1,00,000 से तो 30,000 का उसमें इधर से आया फिर इंटरिम डिविडेंड पेड दिया फिर बैलेंस शीट कैरी टू बैलेंस शीट दिया। ठीक है तो फिलहाल तो ऐसा आ रहा है। इंटरिम डिविडेंड भी दिया ठीक है। एडजस्टमेंट कुछ बोला है क्या देख लो। ऐसा तो कुछ स्पेशल तो नहीं बोला है। अभी जो नेट अभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के दिया है इसका मतलब है ना वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के दिया है मतलब वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होगा दूसरा कुछ नहीं होता। तो मैं काम करता हूँ मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाता हूँ। शायद कुछ मिल जाए।
फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया। उसके बाद देखो असेट में कुछ चेंजेस दिख रहा है ना, एक काम करता हूं मैं असेट अकाउंट भी बना लेता हूं और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाता हूं। अब एक बार फिर से बैलेंस शीट पढ़ता हूं क्योंकि इतना ही है, अब इसके आगे कुछ है नहीं। अभी फिर से बैलेंस शीट पढ़ता हूं, ग्रॉस ब्लॉक दिया है, फिर डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, स्टॉक, बुक डेट, कैश इन हैंड, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में देखो ओपनिंग में 10,000 था और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टोटल बढ़ो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ओपनिंग में 20,000 था और क्लोजिंग में 15,000 है। ओपनिंग में 20,000 था, क्लोजिंग में 15,000। आपको मालूम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ओपनिंग में ज्यादा था, क्लोजिंग में कम हुआ, तो जो डिफरेंस ओपनिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ओपनिंग में 20,000 था, 10,000 प्लस 10,000 में एक साथ पढ़ रहा हूँ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ओपनिंग में 20,000 था और क्लोजिंग में 15,000, मतलब 5,000 का आपने क्या किया, राइट ऑफ। याद रखना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ होता है, तो राइट ऑफ आप कहां पे लिखते हो, पीएनएल में। याद आ रहा है आपको राइट ऑफ आप कहां पे लिखते हो, पीएनएल में, नहीं तो मेरे को उसका लेजर बनाना पड़ेगा। राइट ऑफ आप कहां पे लिखते हो, पीएनएल में, तो पीएनएल में लिखते हो मतलब वो नॉन कैश आइटम हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे, पीएनएल में से डिडक्ट मतलब हम लोग ऐड करेंगे। समझा क्या? और बाकी है ना कुछ भी नहीं दिया, इतना टेंशन वाला, तो हम लोग बाकी का डिस्कस कर सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में गए, ये साल का प्रॉफिट दिया है और ट्रांसफर टू रिजर्व दिया, इंटरिम डिविडेंड पेड दिया है, इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ है मतलब फाइनेंसिंग में से लेस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? फाइनेंसिंग में से लेस होना चाहिए। चलो अब ये तीन चीज है, इसका यूज कर लेता हूं पहले। पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 80,000। असेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,00,000। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पूरा ऐड नहीं करोगे, ऐड करने के बाद ही बता रहा हूं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,20,000। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,70,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,60,000 फिलहाल ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब क्लोज करो इसको। अब ये डेप्रिसिएशन बोल रहा है, अभी प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बात करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या ये साल का प्रोविजन बोला है? नहीं बोला है। जब ये साल का प्रोविजन नहीं बोला है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो लास्ट ईयर प्रोवाइड किया था ना वो ये साल पे किया। जब ये साल का प्रोविजन नहीं दिया है, ये साल कितना प्रोवाइड किया दिया, अगर ये साल बोला तो हम लोग यहां लिखते ना बाय पीएनएल, बट ये साल नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन में, इसका मतलब जो लास्ट ईयर प्रोवाइड किया था ना वही पे किया। समझ में आया? जो लास्ट ईयर प्रोवाइड किया था वही पे किया। साल कितना प्रोवाइड किया, 1,40,000 तो ये 80,000, तो ये साल इतना आपने प्रोविजन किया। अब रेड मार्कर से बोलो ये आपने पे किया तो ऑपरेटिंग में लेस होगा और ये प्रॉफिट में ऐड होगा क्योंकि आपने प्रोवाइड किया, प्रोविजन कभी भी कैश में नहीं होता। अब असेट का बोलो, अब असेट का बोलो 11,20,000
11,20,000, तो 1,20,000 यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपने परचेज किया मतलब आपसे पैसा गया। तो रेड पेन से मैं बोल रहा हूँ, बोलो, इन्वेस्टिंग माइनस, इज दैट क्लियर? ओके, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बोलो, सिंपल है, ये साल कितना प्रोविजन किया? चार लाख साठ माइनस 3,70,000, तो मैं बोले 90,000 है, 90,000, 90,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपने ये बार इतना प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। बोलो, समझा? सर क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट उसने दिया है वो आफ्टर टैक्स ही दिया, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया, और जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे ना तो निकाल देने का, निकल रहा ना तो निकालने का कभी भी डेप्रिसिएशन, और ये सब हिंट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सब दिया, मतलब वो चाहता है कि डेप्रिसिएशन निकालो। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे ना, सीधा असेट टू असेट कंपेयर करोगे तो भी चलेगा, बट वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं माना जाएगा, समझा? क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन दिया है तो अकाउंट बोलता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन दिया है मतलब प्रॉफिट जो दिया रहेगा वो आफ्टर टैक्स दिया रहेगा, अभी उसने पीएनएल अकाउंट बना के नहीं दिया है, बट वो आफ्टर टैक्स ही बना के दिया होता है। समझ में आया? तो इतने सारी चीजें हैं, अभी अब हम लोग चालू कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहले प्रॉफिट कितना दिया वो देखो, नेट प्रॉफिट 1,35,000, उसमें आप ऐड करोगे डेप्रिसिएशन, अपने को ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि अपन को कैश ऊपर वाले पे जाना है, अपन ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन असेट, वर्किंग नोट आप लिख लेना, ठीक है ना, वर्किंग नोट आप लिखना, मैं वो वर्किंग नोट के चक्कर में नहीं करता, ठीक है, 90,000, फिर ऐड करने का प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देखो, इस 80,000, तो मेरे को लगता है भी, हाँ, और वो ऐड करने का मिसलिनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, क्या है ना, 20,000 माइनस 15,000, तो 5,000, ये सब ऊपर होता है, कोई भी काम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं होता, बल्कि अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के ऊपर, मतलब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ध्यान देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कभी ध्यान नहीं देने का, उसमें से सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट उठाने का, जो ऑलवेज आफ्टर टैक्स ही होता है, ठीक है? अब और देखते हैं, और कुछ है क्या, और कुछ भी तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से मेरे को कैश प्रॉफिट आ गया है, 1,35,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 5,000, 3,10,000 का मेरे को कैश प्रॉफिट आ गया है। अब इस कैश प्रॉफिट में मैं चेंज इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी देखो, अभी पहले स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड 2,40,000 से 3,70,000 हो गया, था ओपनिंग में 2,40,000, बट वो 3,70,000 हो गया। अब तुम ही सोचो, स्टॉक बढ़ने से आपका सेल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसके लिए स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया मतलब आपका पैसा ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया मतलब माइनस, इंक्रीज इन स्टॉक माइनस करके बोलो, 3,70,000 माइनस 2,40,000, तो दिस विल बी 1,30,000 माइनस, समझा क्या? अब दूसरा,
बुक डेट डेटर 2.5 लाख था ओपनिंग में और क्लोजिंग में 30,000 का, मतलब डेटर कम हो गया, डेटर कम हुआ मतलब पैसा आया, एड डिक्रीज इन डेटर्स 20,000 रुपया आया, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद कैश इन हैंड का तो कुछ नहीं करने का, तो मेन आइटम है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, क्रेडिटर फॉर गुड्स 1,70,000 से 1,60,000 हो गया क्रेडिटर, तो मेरा क्रेडिटर कम हो गया, मेरा लायबिलिटी कम हो गया, उसका रीजन मैंने पेमेंट किया, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 10,000, मैंने पैसा दिया प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो क्लियर हो गया अपना। तो 3,10,000 माइनस 1,30,000 प्लस 20 माइनस 10, 1,90,000। अब उसमें से माइनस टैक्स पेड, लास्ट ईयर का टैक्स मैंने इस बार पे कर दिया, तो ये आएगा 1,30,000। नंबर टू, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यस, अब देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा अपने को। तीन ही वर्किंग नोट था, इतना कोई बड़ा नहीं था, तो ऊपर तो कुछ दिखा नहीं अपने को, और एक बार कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में असेट है जो आपने परचेज किया, तो परचेज ऑफ असेट, कितने में असेट परचेज किया आपने, ऊपर देख लेने, ऊपर देख लेने का 1,20,000 में आपने परचेज किया, बस एक ही था। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर, क्योंकि आपने शेयर, देखो आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया है, कैसे, ओपनिंग में 5 लाख था, अभी क्लोजिंग में कितना हुआ, 6 लाख, मतलब 1,00,000 बढ़ गया, मतलब आपने इश्यू किया ना, तो 1,00,000 बढ़ गया। दूसरा, डिबेंचर 3 लाख था बट अभी 2.5 लाख हो गया, मतलब आपने रिडीम किया। पचास हजार का रिडम्शन, मतलब 50,000 रुपया पैसा गया, तो ये आएगा 50,000 रुपया इनफ्लो में। क्या डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया है क्या, रेट इंटरेस्ट रेट दिया है क्या, 10% डिबेंचर नहीं दिया, अगर 10% डिबेंचर इंटरेस्ट दिया होता तो मैं पीएनएल में पहले ऐड करता, क्योंकि इंटरेस्ट अक्रूड हुआ, उसका मतलब पेड तो हुआ नहीं, फिर लास्ट में मैं उसको पे भी करता, मतलब पहले मैं पीएनएल में ऐड करता फिर उसके बाद मैं उसका पेमेंट करता, बट ऐसा दिया नहीं है। फिर उसके बाद ओपनिंग कैश एंड बैंक, तो ये 80,000 आएगा। लास्ट में क्लोजिंग कैश एंड बैंक 60,000, तो 1,30,000 माइनस 1,20,000 प्लस 50 सॉरी, एक तो मैंने लिया ही नहीं, सोचो क्या, इंटरिम डिविडेंड पेड, मेरे को सब देखना चाहिए बट मैं, मेरे को ऐसा लगा मैंने सब देख लिया, बट ये गलत गलत ही होता है। तो 1,00,000 माइनस 50 माइनस 80, तो ये 30,000 माइनस में आता है। अब देखो, 1,30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 30 प्लस 80 आया ना 60, डन।
समझ में आया? देख लो अभी। ठीक है, तो ये सम्स पहले इतना सॉल्व करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं।